दोस्तों, मैं विजय गुप्ता यंग बाइट्स की टीम की तरफ से इस समय न्यूयॉर्क में हूँ और हमारे साथ इस समय योगा डे में शिरकत करने के लिए कुछ लोग हैं जो कि नरेंद्र भाई मोदी भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस समय योगा डे में शिरकत करने के लिए न्यूयॉर्क पधारे हैं। आज 9th इंटरनेशनल योगा डे है और योगा जो है वो हिंदुस्तान की देन है, हिंदुस्तान ने ही पूरे विश्व में योगा डे बनाया है। इसी बारे में आज बात करते हैं, हमारे साथ एक हिंदुस्तानी जुड़े हैं, आइए जानते हैं इनसे। जी भाई साहब, आपका नाम? उमा महेश्वर राव। भाई साहब, आप कहाँ से रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश, इंडिया। इंडिया से रहने वाले हैं और यहाँ किस तरह और कब से हैं? मैं 20 दिन पहले आया इधर, मेरी बेटा बेटी न्यू जर्सी में रहता है। ओके। तो मैं एक मद्रास आईआईटी बेटर अपॉर्चुनिटीज और भाई साहब, आप योगा डे का जहन में रख के, दिमाग में रख के आए थे कि आज 9th इंटरनेशनल योगा डे है और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी यहाँ योगा डे में शिरकत करने के लिए पधार रहे हैं, तो आप ये सोच के आए थे? हाँ, वो प्रधानमंत्री यूनिवर्सल लीडर है जी। वो भारत विश्व गुरु बनने के लिए वो उसका अवतार है, काबिल है उसके। हाँ जी जी, आपका मानना है कि हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो विश्व गुरु बनने के लिए मान्यता रखते हैं? हाँ, जो योगी है, रियल योगी है, रियल योगी है। आई एम आल्सो डूइंग योगा फ्रॉम 30 इयर्स। ये योगा इज टॉप लेवल, ही आल्सो परफॉर्म्स योगानंदा एडवर्टाइज द क्रिया योगा बाय ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। That book was translated in 38 languages. After his death, 21 days body was kept here. No damage, no smell. So many doctors tested. In body, every cell was breathing. Even the heart was सनातन धर्म। ओके जी, आपका मानना है कि हमारे जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो बहुत बड़े योगी हैं? हाँ, धन्यवाद भाई साहब आपका।